मोहल्ले का ड्रेनेज पानी है वो सुकुल इहाती में चूँकि जमा होता है, ड्रेन उन्होंने सुकुल कॉर्नर तक ही बनाए, पूरा पानी सुकुल ग्राउंड में जमा होता है, उस वजह से बच्चों के आने जाने में मुश्किल होती हैं। कभी कभी ये पानी 2-2.5 फुट तक चढ़ जाता है, तो बच्चों को हमने खिड़कियों से ही बाहर भी करना पड़ता है, क्योंकि और खिड़कियों से ही अंदर भी करना पड़ता है। कभी बच्चे खुद बाहर चले जाते हैं तो बारिश में पानी में गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, कपड़े शपड़े वर्दी शर्दी इनकी गंदा हो जाती है, और कभी हमने छोटे बच्चों को स्कूल से छुट्टी ही करनी पड़ती है। पिछली दफ़ा हमने दो तीन दिन यहाँ मस्जिद कंपाउंड में तलाशी लिए, खाली थोड़ तक के जो बच्चे थे उनको पेरेंट्स ने हाइजीनिक बुनियाद पर यहाँ भेजना ही बंद कर दिया। आज वेरी फर्स्ट इंस्टेंस हमने BDO पांपोर को इन्फॉर्म किया कि आपने जो कंपाउंड के बाहर स्पिनिंग की है वो स्कूल कंपाउंड से ज़्यादा ऊपर चली जा रही है। उसके बाद हमने जारियों को भी लिखा, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम मजबूरन ACD पुलवामा के पास गए, तो उन्होंने BDO पांपोर को तुरंत लिखा कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस स्कूल कंपाउंड को बचाया जाए और ड्रेनेज का कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। गवर्नर साहब और DC पुलवामा साहब से मेरी यही गुजारिश है कि इस स्कूल की तरफ खास ध्यान दें, खास तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ गरीब सोसाइटी से बच्चे आते हैं, वही तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन बनाने की तरफ कोई ना कोई कार्रवाई